तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिस्टम एक्विजिशन। सिस्टम एक्विजिशन में हम क्या करते हैं कि जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको कैसे कैसे एक्वायर करना है वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आफ्टर द सिस्टम डिज़ाइन इधर पार्शली और फुल्ली द नेक्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट स्टार्ट्स विच रिलेट्स टू द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये बोल रहा है कि जब हमने सिस्टम डिज़ाइन कर ली तो उसके बाद में हमें कुछ ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कुछ रिलेटेड सर्विसेज हो गई, तो उसको एक्वायर करने के लिए हम जो फेज फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम एक्विजिशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिस्टम एक्विजिशन स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट शुड एस्टेब्लिश द एक्विजिशन स्टैंडर्ड दैट एड्रेस द सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी इशू एज पर करंट स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड एंड एक्विजिशन स्टैंडर्ड शुड फोकस ऑन द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है, जो भी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहे हैं वो रिलायबल होने चाहिए और उनकी सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो मैनेजमेंट है वो एक एक्विजिशन स्टैंडर्ड सेट करे और उसके अकॉर्डिंगली वो उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को परचेज करे। तो ये एक्विजिशन स्टैंडर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, एंश्योर द सिक्योरिटी रिलायबिलिटी फंक्शनलिटी ऑलरेडी बिल्ट इन टू द प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सॉफ्टवेयर है तो उसकी सिक्योरिटी रिलायबिलिटी और फंक्शनलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये इनबिल्ट होना चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर ही, तो हमें ये सब देखकर ही उसको परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंश्योरिंग मैनेजर्स कंप्लीट अप्रोप्रिएट वेंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइसेंसिंग रिव्यूज एक्वायरिंग प्रोडक्ट कंपेटेबल विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, मैनेजर को जो वेंडर है उसके साथ में कंप्लीट अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा उसे देखना चाहिए कि जो सिस्टम वो एक्वायर कर रहा है वो हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं। नेक्स्ट इज इन्विटेशन टू द टेंडर। टेंडर को इन्वाइट करके और वो जैसे हम हमें कोई हार्डवेयर एक्वायर करना है तो उसके लिए हम टेंडर इन्वाइट कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, अलग अलग वेंडर अपने अपने हार्डवेयर के लिए टेंडर बिड देंगे, फिर हम देख लेंगे जो लोएस्ट बिड प्राइस होगी विद अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन्विटेशन टू टेंडर भी कर सकता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है थर्ड पार्टी, वो खुद अपने प्रपोजल देती है, मतलब जितने भी वेंडर्स हैं वो अपना अपना प्रपोजल देंगे और अपने अपने बिड्स देंगे, फिर जो हमें अच्छा लगेगा वो हम उसी वेंडर से हम एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश द एक्विजिशन स्टैंडर्ड टू एंश्योर द फंक्शनलिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट टू बी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिटेल्ड इन रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल्स। इसमें क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है ताकि हम क्या इंश्योर कर सकें कि जो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्वायर करेंगे उसकी फंक्शनलिटी अच्छी होगी, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स है, एक्यूरेसी है, वो सब उसमें अच्छी होगी। तो इसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंगली ये सब एक्विजिशन स्टैंडर्ड्स जो है मैनेजमेंट को सेट करने होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वायरिंग द सिस्टम कंपोनेंट फ्रॉम द वेंडर। एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ रीजनेबल आइडिया ऑफ टाइप ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इट नीड्स फॉर अ सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। मतलब जो डिज़ाइनिंग कर ली तो उसके बाद में जो मैनेजमेंट है उसको ये आइडिया हो जाता है कि जो सिस्टम डेवलप करेगा उसके लिए नेसेसरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है। एक्वायरिंग द अप्रोप्रिएट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज अ क्रिटिकल फॉर दी सक्सेस ऑफ होल प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली हमें एक्वायर करने होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिस्कवर न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन द वेरियस वे। मैनेजमेंट ऑल्सो डिसाइड वेदर हार्डवेयर इज टू बी परचेज फ्रॉम थर्ड पार्टी और टू बी रेंटेड। मतलब मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि वो हार्डवेयर को परचेज करे किसी थर्ड पार्टी से या फिर किसी से रेंट पर ले ले। अ सब कमिटी ऑफ एक्सपर्ट अंडर द स्टीयरिंग कमिटी रेफर टू अ सिस्टम एक्विजिशन कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूट। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो कि स्टीयरिंग कमेटी के अंडर में होती है, उसको बोलते हैं सिस्टम एक्विजिशन कमेटी। द सब कमेटी इज मैंडेटेड टू एंश्योर द टाइमली इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज। मतलब जो ये सब कमेटी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस स्टेज को टाइमली कंप्लीट करे, एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करे। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कॉल्ड फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द वेंडर। दिस स्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेज फॉर द सिस्टम एक्विजिशन एज वेल डिफाइंड द RFD लीड्स टू बेटर एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि जो वेंडर है वो अपने अपने प्रपोजल्स हैं वो सबमिट करते हैं कंपनी को, फिर कंपनी देखती है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, एडिक्वेट कौन सा है, तो वो RFD जो है वो सेलेक्ट कर लेती है। तो नेक्स्ट फेज यही आता है। RFD मीन्स आस्किंग वेंडर टू सबमिट द प्रपोजल फॉर रिक्वायरमेंट मेंशन। मतलब हम क्या करते हैं, वेंडर्स को बोलते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने प्रपोजल सबमिट करें। RFD प्रोसेस इज द इनिशिएशन ऑफ द फाइनल स्टेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
The requirement analysis and design phase have been completed before starting of this phase. मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइनिंग है वो इससे पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमने डिज़ाइन कर लिया तभी हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो RFD है उसके लिए बोलेंगे वेंडर्स को. तो जो RFD है वो स्टार्ट होने से पहले एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो स्टेज है वो कम्प्लीट हो जानी चाहिए. द फॉलोइंग कंसिडरेशन आर वैलिड फॉर बोथ एक्विजिशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हमें क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है. फर्स्ट इज वेंडर सिलेक्शन. This step is a critical step for success of process of acquisition of the system. It is necessary to remember that vendor selection is done prior to the sending RFD. हमें क्या करना होता है, वेंडर्स का सिलेक्शन करना होता है. तो RFD जब हम सेंड करेंगे उससे पहले ही सेलेक्ट करेंगे वेंडर्स को, क्योंकि जो सेलेक्टेड वेंडर्स होंगे उसे उन्हीं को हम बोलेंगे कि हमें जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उन्हीं का बोलेंगे. फिर जब हम वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम जो सेलेक्टेड वेंडर्स हैं उनको अपनी RFD देंगे ताकि वो अपने अपने जो प्रपोजल्स हैं वो सबमिट कर सके. नेक्स्ट रहता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ वेंडर. जो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ वेंडर है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमारे जो वेंडर्स हैं उन तक हम पहुँच सकते हैं तो वो सबसे बेटर रहता है, क्योंकि हो सकता है कि जब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्वायर किया तो इन फ्यूचर उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई या फिर कुछ अदर मिस्टेक हो गई. तो अगर हम वेंडर्स तक पहुँच सकते हैं तो हम उस मिस्टेक को सही कराने के लिए उस वेंडर तक हम पहुँच सकते हैं, या फिर वेंडर खुद आके और हमारा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है और उसकी रिपेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो लोकेशन ऑफ वेंडर है वो भी इम्पोर्टेंस रख. द इशू टू लुक फॉर वेदर द वेंडर हैज़ लोकल सपोर्ट पर्सन. मतलब लोकल सपोर्ट पर्सन होना चाहिए, अदरवाइज द प्रपोजल सबमिटेड बाय द वेंडर नॉट एज पर RFD रिक्वायरमेंट नीड टू बी रिजेक्टेड विद नो फर्दर डिस्कशन ऑन सच रिजेक्टेड प्रपोजल्स. अदरवाइज हम जो RFD उसने वेंडर ने सबमिट किए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो लोकल सपोर्टेड पर्सन नहीं होगा तो. दिस स्टेज में बी रेफर टू अ टेक्निकल वैलिडेशन, दैट इज टू चेक द प्रपोजल सबमिटेड बाई द वेंडर्स आर टेक्निकली कंप्लाइंग विद द RFD रिक्वायरमेंट. इसमें टेक्निकल वैलिडेशन को भी बोलते हैं इस फेज को. इसमें हम क्या करते हैं, जो वेंडर ने RFD सबमिट किया है वो टेक्निकली वैलिड है कि नहीं वो भी हम चेक करते हैं. प्रेजेंटेशन बाई द सेलेक्टेड मेंबर्स, सॉरी सेलेक्टेड वेंडर्स. जितने भी हमने वेंडर्स सेलेक्ट किए वो अपने अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर अपने अपने सिस्टम के बारे में बताते हैं, अपने अपने जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसकी क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, उसकी क्या एडवांटेज है उसके बारे में बताते हैं. फिर जो जिसका बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है, जो हमें बेस्ट लगता है, फिर हम वो ऑप्शन एक्वायर कर लेते हैं. ऑल वेंडर whose proposal are accepted after the technical validation are allowed to make the presentation to the system acquisition team. The team evaluate the vendor's proposal by using the techniques. यही बोल रहे हैं कि जो वेंडर्स हैं जिसके हमने टेक्निकल वैलिडेशन के बाद में जो वेंडर्स सेलेक्टेड वेंडर्स हैं वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे सिस्टम एक्विजिशन टीम जो यहाँ पे क्रिएट की थी हमने सिस्टम एक्विजिशन कमेटी, उसको फिर कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन से वेंडर से हमें परचेज करना है. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ द यूजर्स फीडबैक. The best way to understand the vendor's system is to analyze the feedback from the present user. Best way क्या होता है कि जो present user है उससे हम feedback ले लें. मतलब अलग अलग vendors हैं उनको हमें evaluate करना है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि उन vendors के hardware software को present में जो use कर रहा है उससे हम feedback ले लें, जिससे हमें उसके system operation क्या है, operation functionalities कैसी है, problems क्या है, vendor supports call कैसी है, तो इन सब का पता लग जाएगा. तो इस तरीके से हम वेंडर्स की सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस है वो करते हैं. नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग. ये बेंचमार्किंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अक्वायर करते हैं. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम रीड करते हैं. द बेंचमार्क टेस्ट इज टू डन फॉर द प्रपोज्ड मशीन. फॉर हार्डवेयर देयर आर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बेंचमार्क टेस्ट डिफाइंड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी नेचर ऑफ हार्डवेयर. दीज नीड टू बी अप्लाइड टू द प्रपोज इक्विपमेंट. ये बोल रहे हैं कि जो हम बेंचमार्किंग को यूज़ करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड है तो उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं कि जो हार्डवेयर हम कंसिडर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड को मैच करता है कि नहीं करता है. तो इस तरीके से हम हार्डवेयर का सिलेक्शन करते हैं. कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग टेक्निक्स है हार्डवेयर के सिलेक्शन के लिए, वो फॉलो की जाती है. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कंसिडरेशन. दैट कैन बी करंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड न्यू प्रोग्राम दैट हैव बीन डिजाइन टू प्रेजेंट द प्लांट प्रोसेसिंग नीड्स. उसी तरीके से जैसे हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बेंचमार्किंग से कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर्स हैं और जो एप्लीकेशंस हैं उन सब के लिए भी हम बेंचमार्किंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको बेंचमार्क से कंपेयर करके और देख सकें कि जो कंपेटेबल है कि नहीं. नेक्स्ट इज बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स चेकिंग वेदर अ कंप्यूटर ऑफर्ड मीट द वेंडर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब ऑन द हैंड ऑफ द बायर. मतलब कि बेंचमार्किंग का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो जिस पर्पज़ से हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा. तो उसके लिए हम बेंचमार्किंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज द बेंचमार्किंग प्रॉब्लम वुड देन कंप्राइज लॉन्ग जॉब्स, शॉर्ट जॉब्स,
प्रिंटिंग जॉब, डिस्क जॉब, मैथमेटिकल जॉब, इनपुट आउटपुट रोल्स एक्सेट्रा इन प्रोपोर्शन टू टिपिकल जॉब मिक्स। तो बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग जॉब, शॉर्ट जॉब, अलग अलग जो जॉब्स होती हैं, इसके अलावा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, इनपुट आउटपुट लोड्स एक्सेट्रा के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो प्रपोज हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है वो हमारे बेंचमार्किंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है कि नहीं करता। इफ़ द जॉब इज़ ट्रूली प्रेजेंटेड बाई द सेलेक्टेड बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स देन दिस अप्रोच कैन बी प्रोवाइड अ रियलिस्टिक एंड टेंजिबल बेसिस फॉर कंपेयरिंग ऑल वेंडर्स प्रपोजल। ये बोल रहे हैं कि अगर जो जॉब है, जो जॉब है वो ट्रूली अगर रिप्रेजेंट करती हैं अगर सेलेक्टेड बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स को, जो सेलेक्टेड बेंचमार्किंग प्रॉब्लम्स है उससे हमारी जॉब से वो ट्रूली रिप्रेजेंट होती है, तब इस बेंचमार्किंग अप्रोच से बेटर कोई अप्रोच नहीं हो सकती है। मतलब जिन जॉब्स में हम उन बेंचमार्किंग को अप्लाई कर रहे हैं उसको वो ट्रूली रिप्रेजेंट करती है, तो उस केस के अंदर सबसे जो रियलिस्टिक और टेंजिबल बेसिस है वो ये बेंचमार्किंग ही है जिसके थ्रू हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करना चाहिए। टेस्ट शुड बी अनेबल बायर टू इफेक्टिवली इवेल्युएट द क्रॉस परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज, डायग्नोस्टिक मैसेज, एबिलिटी टू डील विद सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। तो बेंचमार्किंग को यूज़ करके और जो एक बायर है उसको क्या इवेल्युएट कर सकता है, वो किसी भी हार्डवेयर जो जिसको वो एक्वायर कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो एक्वायर कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबिलिटीज़ कितनी है, डायग्नोसिस कर सकता है। इसके अलावा एबिलिटी टू डील विद द सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ टाइप की अगर प्रॉब्लम अराइज हो जाए तो उस केस में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स है उनको कैसे रिजॉल्व करेगा, तो उन सबको भी वो डील कर सकता है। बेंचमार्किंग प्रॉब्लम हाउ एवर सफर फ्रॉम अ कपल ऑफ डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। इट टेक्स द कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट्स टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जॉब मिक्स विच इटसेल्फ मस्ट प्रिसाइजली डिफाइन। ये बोल रहा है कि इसकी कुछ डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हमें सेलेक्ट करने में कि किसी जॉब को कौन सी बेंचमार्किंग है वो रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से ये पॉपुलर तो बहुत है बेंचमार्किंग, इससे क्या होता है कि वेंडर जो हम क्या कर सकते हैं, वेंडर्स के प्रपोजल्स हैं उनके सिलेक्शन करने के लिए उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बेंचमार्क्स से, लेकिन ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसके अलावा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगी इसकी। नेक्स्ट आता है अदर एक्विजिशन एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिसेस। इन ये जो हमने रीड किया इसके अलावा कौन कौन से एक्विजिशन प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, अब हम वो रीड करेंगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट आता है हार्डवेयर एक्विजिशन। इन केस ऑफ प्रोक्योरिंग सच मशीन मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, एयर कंडीशनर इक्विपमेंट, द मैनेजमेंट कैन नॉर्मली रिले ऑन द टेस्टेड सिलेक्शन टेक्निक्स और ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी डेलीगेटेड टू द टेक्निकल स्पेशलिस्ट। जब हम हार्डवेयर को एक्वायर कर रहे हैं तो हमें जो हार्डवेयर है, मशीन टूल्स हो गई, मशीन हो गई या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एयर कंडीशनिंग हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है उस पर डिसाइड करते हैं कि वो हार्डवेयर है वो सूटेबल है कि नहीं। तो जो हमारा टेक्निकल स्पेशलिस्ट होगा जो हमें बताएगा कि कौन सा हार्डवेयर हमें चूज़ करना चाहिए, तो हम उसको हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है कि इस क्राइटेरिया में हमारा हार्डवेयर फिट होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया उसको प्रोवाइड करेंगे। कुछ जो टाइम टेस्टेड सिलेक्शन टेक्निक्स है उस पे बेसिस होता है क्राइटेरिया, मतलब जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है वो टाइम टेस्टेड होता है और नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम उसको टेस्ट किया हुआ होता है, तो यार जो क्राइटेरिया है वो एकदम प्रॉपर होता है। तो हम इस टेक्निकल स्पेशलिस्ट को वो क्राइटेरिया बता देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी जो हार्डवेयर है उसको सेलेक्ट कर लेगा। द मैनेजमेंट डिपेंड ऑन द वेंडर फॉर सपोर्ट सर्विसेज, सिस्टम डिज़ाइन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो मैनेजमेंट है केवल इसे हार्डवेयर एक्वायर नहीं करेगा लेकिन इसके अलावा कुछ सपोर्ट सर्विसेज और जो कुछ डिज़ाइन या फिर एजुकेशन या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है उसके लिए रिलाई रहता है जो वेंडर्स होते हैं उस पर। एन एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन फॉर मोस्ट इनडेफिनेट पीरियड, देयर फॉर इट इज़ नॉट जस्ट बाइंग अ मशीन पेइंग वेंडर फॉर इट बट इट अमाउंट्स टू एंड्योरिंग द अलायंस विद द सप्लायर। ये बोल रहे हैं कि जो सप्लायर है उससे हम सपोर्ट सर्विसेज लेते हैं, उससे हम डिज़ाइनिंग की कुछ अदर सर्विसेज भी ले सकते हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग की सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा कभी एक्सपेंशन करना है तो उस केस में उस वेंडर को कंसीडर वापस से कर सकते हैं हम। तो इसमें केवल हम हार्डवेयर को जस्ट बाय नहीं कर रहे बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी वेंडर के साथ में। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एक्विजिशन। वंस यूजर आउटपुट और इनपुट डिजाइनर फाइनलाइज द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायरमेंट मस्ट बी असेस्ड बाय द सिस्टम एनालिस्ट। एक बार जब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इनपुट आउटपुट की डिज़ाइन को फाइनल कर लिया तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसकी क्या नीड्स है वो असेस करनी पड़ती है। तो सिस्टम एनालिस्ट है वो क्या नीड्स है वो असेस करेगा,
This determined help in the system development team to decide what type of the application software is needed on the consequently the degree of processing that the system needs to handle. मतलब हमें कौन कौन से application software चाहिए और जो हमारे हमारा जो system है वो कितनी degree की processing है वो handle कर सकता है, तो सबको सोच करके और जो management उसको decide करना होता है कि कौन कौन सा application system है वो needed है. This help the system developer in deciding about the nature of hard software and computer hardware will be most suitable for generating the desired output and also the functions and capabilities that the application software must possess. मतलब जब software hardware का decision लेना होता है तो हमें एक तो ये देखना होता है कि most suitable कौन सा है ताकि हम desired output को generate कर सकें. desired output को generate करने के लिए most suitable options कैसा है, इसके अलावा functions और capabilities भी होनी चाहिए जो application software के अंदर. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम software का choose करते हैं. At this stage, the system developer must determine whether the application software should be created in-house and acquired from the vendor. इसके अलावा ये भी decide करना होता है क्या हम इस application software को in-house develop कर सकते हैं क्या, या फिर हमें vendor से ही purchase करना पड़ेगा. मतलब make or buy decision यहाँ पर organization को लेना होता है. Next आता है contract software license and copyright vendors. इसमें क्या है, सिंपली मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम कभी कभी तो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जो सॉफ्टवेयर से हम लाइसेंस भी ले सकते हैं. जैसे एक साल का लाइसेंस ले लिया तो उससे रिलेटेड कॉपीराइट हमें मिल जाएगा. जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम एक साल तक यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ कॉपीराइट ट्रेडमार्क लॉ के कुछ प्रोविज़न होते हैं, तो हमें उसको वायलेट नहीं करना चाहिए. उसकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या दिए गए हैं पेटेंट लॉ के अंदर, ट्रेडमार्क लॉ के अंदर, कॉपीराइट लॉ के अंदर, तो हमें वो सब देखना होगा कि हमें उनको फॉलो करना है और उनका वायलेशन नहीं करना. नेक्स्ट रहता है वैलिडेशन ऑफ द वेंडर प्रपोजल. द कॉन्ट्रैक्ट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द रैंकिंग प्रपोजल सबमिटेड बाय द वेंडर्स. जो वेंडर्स ने प्रपोजल सबमिट किया उनको हमें रैंक देनी होती है और हमें देखना होता है कि कौन से वेंडर का प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना है. तो इसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, द परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ ईच प्रपोज सिस्टम इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट. मतलब जो जो वेंडर्स ने अपने अपने सबमिट किए हैं उसकी कितनी कॉस्ट आएगी और उससे कितनी हमें बेनिफिट मिलेंगे, तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखना होता है. नेक्स्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच प्रपोज सिस्टम, ईच प्रपोज सिस्टम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है. मेंटेनेबिलिटी ऑफ द ईच प्रपोज सिस्टम, कितनी मेंटेनेबिलिटी हुई, कितने कितने टाइम पे हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा और रिपेयर कराना पड़ेगा, तो वो भी हमें चेक करना होता है. कितना कंपेटेबल है हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में, एंड वेंडर सपोर्ट सर्विसेज किस टाइप की प्रोवाइड करेगा. मतलब इन सब क्राइटेरिया पे हमें डिसाइड करना होता है कि जैसे पांच वेंडर हैं उन्होंने बच्चों ने अपना प्रपोजल सबमिट किया, तो इन क्राइटेरिया पर हम पांचों को चेक करेंगे, फिर हमें जो बेस्ट लगता है हम उसको चूज़ कर लेंगे. मेथड ऑफ वैलिडेटिंग द प्रपोजल, तो प्रपोजल को मेथड वैलिडेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे चेकलिस्ट मेथड होता है, तो चेकलिस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं. जैसे कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एप्पल और डेल. तो हमें अगर हार्डवेयर चाहिए 1 TB की, हार्ड डिस्क चाहिए 1 TB की, तो इसमें है इसमें नहीं है. प्रोसेसर चाहिए IT का, i7 प्रोसेसर चाहिए, तो इसमें नहीं है इसमें है. ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ दोनों में प्रोवाइड होती है. रैम चाहिए 8 GB की, इसमें नहीं है इसमें है. तो सबसे ज़्यादा राइट यहाँ पर आए तो इससे हम डेल की तरफ जाएंगे, एप्पल को चूज़ नहीं करेंगे, तो गो फॉर डेल. तो इस तरीके से हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करके अलग अलग जो वेंडर्स हैं उनके प्रपोजल को कंपेयर करके और किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं. पॉइंट स्कोरिंग मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप करते हैं एंड देन हाईएस्ट जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो 10, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 में से वेंडर ए बी सी, इसको 7 मिले, इसको 9 मिले, इसको 6 मिले, तो ऐसे ऐसे हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे. इसके अलावा इन तीनों वेंडर्स को उसके लिए कितने पॉइंट्स मिले अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटीज़, तो जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे उस वेंडर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पब्लिक इवेल्यूशन रिपोर्ट्स. इसमें क्या होता है कि कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, एक्सटर्नल एजेंसीज, जो किसी भी सॉफ्टवेयर पर एक रिपोर्ट डेवलप करती है. ठीक है, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के बारे में तो वो उन एजेंसी की रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. सेवरल कंसल्टेंसी एज वेल एज इंडिपेंडेंट एजेंसी कंपेयर एंड कंट्रास्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग पब्लिश दियर रिपोर्ट्स इन दिस रिगार्ड. यही बोल रहा है कि कुछ कंसल्टेंसीज कंपनी होती है और इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, वो क्या करती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है उस पर रिपोर्ट जनरेट करती है. दिस मेथड हैव बीन फ्रिक्वेंटली यूजफुली एम्प्लॉयड बाय द सेवरल बायर्स इन द पास्ट फॉर दोज क्राइटेरिया हाउ एवर वे पब्लिश रिपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल रिपोर्ट्स वुड हैव टू बी मेड टू अदर मेथड्स ऑफ द वैलिडेशन.
ये बोल रहा है कि ये जो मेथड्स हैं हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम जो जिस एजेंसी ने या जिस कंसल्टेंसी फर्म ने अपनी जो रिपोर्ट डेवलप की उसके बेसिस पर देख सकते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। द मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द बाइंग स्टाफ हैज़ इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। जब बाइंग स्टाफ के पास में इनएडिक्वेट नॉलेज है, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, तो इन रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये रिपोर्ट कभी कभी हो सकता है किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि कुछ और क्राइटेरिया पर डिसाइड करेंगे। बहुत सारे क्राइटेरिया जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे अभी, और भी जैसे एक चेकलिस्ट पढ़ा, पॉइंट स्कोरिंग पढ़ा, इसके अलावा दो और क्राइटेरिया, तो हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द वेंडर सॉल्यूशन। बेंचमार्किंग एक एकदम टेंजिबल और रियल मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेंचमार्क सेट होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखते हैं कि जो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंसिडर कर रहे हैं उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है क्या जो एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल जॉब मिक्स जो टेस्ट केसेस है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारा जो आउटपुट है वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस होगा या नहीं होगा। तो हर एक वेंडर का जो भी ऑल्टरनेटिव होगा उसको हमारे एक्चुअल जॉब मिक्स में कंपेयर करके हम देखेंगे कि आउटपुट एज़ पर एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं होगा। तो उस तरीके से जिसका हाईएस्ट हमें आउटपुट हमारे एज़ पर एक्सपेक्टेशन होगा तो उस वेंडर का हम सिलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग प्रॉब्लम्स। टेस्ट प्रॉब्लम दिस रिगार्ड द एक्चुअल जॉब मिक्स एंड आर डिवाइस फ्रॉम टेस्ट द ट्रू कैपेबिलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम बाय करने वाले हैं उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि वो कंपेटेबल है या नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट प्रॉब्लम में भी डेवलप टू इवेल्युएट द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इन टू द ऑब्जेक्ट कोड, रिस्पॉन्स टाइम फॉर टू और मोर जॉब्स इन द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट। ये बोल रहा है कि टेस्ट हम किस बेसिस पे कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बेसिस ये हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने में कितनी देर लग रही है, या फिर जो अगर एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दो या दो से ज़्यादा जॉब्स को सपोर्ट कर रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कितना आ रहा है। मतलब अगर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है तो उस केस के अंदर वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है उसको हम चूज़ नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन एग्जीक्यूटिंग अ यूज़र प्रोग्राम, ओवरहेड्स हैं वो अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उस प्रोग्राम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, लेंथ ऑफ टाइम कितना लग रहा है। तो ये अलग अलग बेसिस होते हैं जिस पर हम जो अपना जजमेंट बना सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, और जो अलग अलग वेंडर्स हैं उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, और हमारी टेस्ट के जो रिज़ल्ट आए उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस वेंडर का जो ऑप्शन है या ऑल्टरनेटिव है वो सबसे बेस्ट है। तो इस बेसिस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज हमने दो क्वेश्चंस देखे, एक तो देखा हमने सिस्टम डिज़ाइन और दूसरा देखा सिस्टम एक्विजिशन। होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में।